वेल हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे खत्म हुई थी। अब सिंडे यूजिन के पास जब दौड़ती हुई आती है तब वो उसे कहती है कि उसे यूजिन से थोड़े समय के लिए बातें करना है। अब यूजिन सिंडे से कपड़े एक्सचेंज करने के लिए कहता है क्योंकि वह दौड़ के आई है इसलिए उसके फ्रॉक में मिट्टी लग चुके हैं। अब कपड़े एक्सचेंज करने के बाद जब वे दोनों बातें करते हुए जाते हैं तब यूजिन कि उसने उसके पास इतने सारे लेटर्स भेजे लेकिन उसने कोई भी लेटर्स का रिप्लाई नहीं दिया। वो समझ सकती है कि यूजिन कितना ज्यादा बिजी है और वह उसे थैंक्स भी कहती है क्योंकि यूजिन इतना दूर से उसके पास सिर्फ उसके परफॉर्मेंस को देखने के लिए आया। तब यूजिन कहता है कि उसका परफॉर्मेंस सच में अच्छा था और वह इस बार नर्वस नहीं लग रही थी। इसके बाद सिंडे यूजिन को गले लगाते हुए कहती है कि वह उसे भूलने की बहुत कोशिश की लेकिन वह उसे नहीं भूल पाई, लेकिन यूजिन कुछ भी नहीं बोलता है। थोड़ी देर के बाद जब सिंडे यूजिन को बस स्टॉप पे छोड़ने जाती है तब वह उसे कहती है कि उसने कोई भी जवाब नहीं दिया लेकिन वह उसके जवाब का इंतजार करेगी। लेकिन वहीं पे हम यूजिन की पत्नी को देखते हैं जब वह उसे केबिन को साफ कर रही थी तभी उसे वहां पर सिंडे की टोपी मिलती है जिसे यूजिन ने अभी तक नहीं लौटाया था। इधर सिंडे जब अपना पैसे लेने के लिए मैनेजर के पास आती है तब मैनेजर उसे बताता है कि उसका शो काफी अच्छा था लेकिन उसे ज्यादा कलेक्शंस नहीं हो पाए इसलिए वो उसे कुछ ही पैसे दे पा रहा है लेकिन अगली बार वो उसे पूरा जरूर देगा। अब सिंडे इन पैसों को लेकर जब घर पे जाती है तब उसकी मॉम यह देख के काफी बोलती है कि उसके पास खाने के लिए अभी कुछ भी नहीं है, घर में दाल चावल भी खत्म हो चुके हैं और इतने पैसे में वह कैसे गुजारा करेगी। जिसके बाद सिंडे अपने कमरे में चली जाती है और वह वहां पर काफी उदास होती है और उसके बाद वह यूजिन को लेटर लिखने लगती है। अब नेक्स्ट डे यूजिन लेटर पढ़ने के बाद उससे मिलने के लिए आता है जहां पर वे दोनों फिर से बातें करने लगते हैं और घूमते हैं। अब ऐसे करते करते एक महीने बीत जाते हैं। अब जब सिंडी अपने घर पे जाती है तब उसकी मॉम उसे बताती है वह बड़ी हो गई है, अब उसे अपनी शादी के बारे में भी सोचना चाहिए। उसने यूनकी से बात की है, वह उसे मिलने के लिए आएगा ताकि वे दोनों एक दूसरे को पसंद कर सके और साथ में अगर वह उसे शादी कर लेती है तो यूनकी उसके छोटे भाई बहन का भी पढ़ाई का खर्चा उठाएगा और वे लोग अमेरिका में जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन सिंडे के डैड भी कुछ नहीं बोलते हैं, वे चुप ही रहते हैं। तब सिंडे अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ पर वह फिर से यूजिन को लेटर लिखती है और वह वहाँ पे सच में बहुत ज्यादा दुखी दिखाई देती है। अब इधर हम नेक्स्ट डे यूजिन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठा होता है और अपने ऑफिस का काम कर रहा था लेकिन तभी उसे सिंडे का कॉल आता है जहाँ पे सिंडे उसे बताती है कि वह जोशियन में आ गई है। अब यह सुनने के बाद यूजिन उसे कहता है कि वो थोड़ी देर इंतजार करे, वो उसे मिलने के लिए स्टेशन पे आ रहा है। अब यूजिन दौड़ते हुए स्टेशन पे पहुंचता है जहाँ पे सिंडे बैठी होती है। अब वह सिंडे के पास जाता है, वो उससे पूछता है कि वो जोशियन में एकाएक क्यों चली आई लेकिन सिंडे उससे गले लगा लेती है जिसके बाद वे दोनों लोगों से बचने के लिए बीच किनारे जाके बातें करने लगते हैं जहाँ पे सिंडे यूजिन से कहती है कि वह जानती है कि उसके पास समय नहीं है और वह अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त है और वह अपने डैड की सभी बातों को मानता है। लेकिन वह अचानक से यूजिन को कहने लगती है कि वह सिर्फ एक बार सुनना चाहती है कि यूजिन उससे कहे कि वह कहीं भाग जाए, वे दोनों कहीं अलग जाके दुनिया बसाए और वह अपने भाई बहन को भी छोड़ दे, बस वो उसे सिर्फ एक बार यह सुनना चाहती है। और वह उसे फिर से गले लगाते हुए रोने लगती है लेकिन इस बार भी यूजिन कुछ भी नहीं बोलता और वह खामोशी रहता है। तभी सीन को कट कर दिया जाता है और रात में जब यूजिन घर पे परेशान होकर पहुंचता है तभी उसकी पत्नी उसे बताती है कि उसके डैड उससे मिलना चाहते हैं। तो यूजिन अपने डैड से मिलने के लिए जाता है जहाँ पे उसके डैड उसके ऊपर बहुत चिल्लाते हैं और उसे बहुत डांटते हुए कहते हैं कि वह इन दिनों बार बार टोक्यो क्यों जाता है, वह एक महीने से लगातार यही काम कर रहा है, ऑफिस में सही से उसका मन भी नहीं लगता और वह रात भर बैठकर सिर्फ किताबों को लिखते रहता है, वह अपनी पत्नी को टाइम क्यों नहीं देता। लेकिन यूजिन यहाँ पर भी पूरी तरह से खामोश रहता है और वह अपने डैड को गुड नाइट कह के वहाँ से चला जाता है और वह फिर से जाके अपने कमरे में फिर से बुक्स को पढ़ने लगता है। अब वहीं पे अगले दिन हम लोग सिंडे के घर पे देखते हैं जहाँ पे उसे मिलने के लिए यूनकी उससे मिलने के लिए आया होता है क्योंकि उसके साथ उसके शादी की बातें चल रही होती है। अब जब वेदन वहाँ से जाने लगते हैं तब उसकी मॉम सिंडे को यूजिन को स्टेशन तक छोड़ने के लिए कहती है। अब जब यूनकी वहाँ से जाने लगता है तब
सिंडे उसे छोड़ने के लिए स्टेशन तक जाने लगती है, लेकिन रास्ते में युनकी उसे कहता है कि वह जानता है कि वह बहुत ज्यादा उदास है और वह उसे पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी वह उसका इंतजार करेगा और वह उसे घर पे वहीं से जाने के लिए कहती है, जिसके बाद युनकी वहाँ से चला जाता है। तब सिंडे बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वह बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होती है। अब वहीं पे हम लोग रात को यूजिन को देखते हैं, जहाँ पे वह अपने कमरे में बैठ के शराब पी रहा होता है और वहाँ पे बुक्स को लिख रहा था। फिर वहाँ पे यूजिन के डैड चले आते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, और वह उसे कहते हैं कि उन्होंने उसे मना किया था कि वह बुक्स को ना लिखे और अपनी पत्नी को टाइम दे, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे बताया था कि वह काम करने के बाद सीधे यहाँ पे चला आया और यहाँ पे बैठ के ड्रिंकिंग कर रहा है। अगर वह अगली बार से बुक्स को लिखेगा तो वे उसे जला देंगे और अगली बार से वह उनका विरोध ना करे। इसके बाद यूजिन बहुत गुस्सा हो जाता है और वह उन्हें चिल्लाते हुए कहता है, बचपन से उन्होंने जो कहा वह यूजिन ने किया, उन्होंने उसे कंपनी में काम करने के लिए कहा तो वह कंपनी में काम किया, उन्होंने बिना पूछे उसकी शादी करवा दिया तो वह कुछ भी नहीं बोला, लेकिन अब जब यह बुक्स उसकी इन सभी यादों को पीछे करने में मदद करती है तो वह समय निकाल कर यहाँ पे लिखने के लिए आता है, क्योंकि उसे इस काम में काफी शांति मिलती है, लेकिन अब वे भी चाहते हैं कि वह इस काम को छोड़ दे, उससे अच्छा वो उसे मार ही डाले। अब यह सुनने के बाद यूजिन के डैड काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि उनका बेटा पहली बार उनके ऊपर इस प्रकार से चिल्ला के बोल रहा है। तब वे उसे कहते हैं कि वह अभी नशे में है, वह उसे कल सुबह बात करेंगे, जिसके बाद वो कमरे से चले जाते हैं। तब यूजिन वहाँ पे अपना हाथ रख कर और सर पटक के रोने लगता है, और इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, एपिसोड 4 की स्टोरी कम्प्लीट हो चुकी है, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।